हेलो गाइस, आज हम एनालाइज करने वाले एक मटेरियल सेक्टर की कंपनी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी का नाम है श्याम सेंचुरी फेरस लिमिटेड। इसके करंट स्टॉक का प्राइस 16.59 रुपए है। कंपनी ने अब तक 74.63% का रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट कैप 349 करोड़ का है। पीई रेशियो 493.52% का है। आरओसीई 0.98% का है। आरओई 0.45% का है और कंपनी पर डेप 2.63 करोड़ का है। कंपनी का रेवेन्यू 2016 में था 113.63 करोड़ का, जो कि बढ़कर 2024 में हो गया है 146.71 करोड़ का। अगर इस कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। कंपनी की नेट इनकम 2016 में थी 1.06 करोड़ की, जो कि कम होकर 2024 में हो गई है 73 लाख की। अगर इस कंपनी की ओवरऑल नेट इनकम को देखें तो कंपनी की नेट इनकम अनस्टेबल है। कंपनी की सेल 2016 में थी 114 करोड़ की, जो कि बढ़कर 2024 में हो गई है 138 करोड़ की। कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी का 51.38% शेयर है। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में कंपनी का एक भी शेयर नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन में इस कंपनी के 0.04% शेयर है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कंपनी का 48.58% शेयर है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी का 51.38% शेयर है और कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स की। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट -97.3% का है और कंपनी का पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट -41.3% का है और पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट -62.3% का है। कंपनी के पिछले 5 सालों की सेल ग्रोथ सिर्फ 0.71% है और कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में -3.11% की होल्डिंग लूज करी है। कंपनी की कंपाउंडेड सेल ग्रोथ एवरेजली 2% की है। कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 0% का है। तो फिलहाल आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए और जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाने लगे तब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये था कंपनी का बेसिक एनालिसिस। और अगर आप भी किसी कंपनी का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं।